थोड़ा सा आप 100-200 रुपए ज्यादा ले लो, सस्ते के चक्कर में मैं नहीं ले सकती, सॉरी बॉस। Hey guys, welcome back to my channel. This is Sonia Chauhan and yeah, if you are new to my channel and coming for the first time, please don't forget to subscribe to it and like this video if you really do. This is the JNM and Forever 21 part 2. So, pehle part mein, if you haven't seen that video, I will link it down. Maybe at the end of this video, you can see it. I will link there. Actually, kya tha ki मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी थी एक साथ, तो एक्सेसरीज भी थी उसमें और क्लोथिंग आइटम्स भी थे, तो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था कि लंबा हो जाता अगर मैं एक्सेसरीज वगैरह भी उसमें इंक्लूड कर लेती, तो आई थॉट कि इट्स बेटर टू मेक अ सेपरेट वीडियो सो दैट थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा और ऐसा नहीं कि आप देखते देखते बोर हो जाओगे. सो या थोड़ा चेंज हो जाएगा. आज मुझे फाइनली टाइम मिल गया कि मैं बना लूँ वीडियो. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसे मतलब बिल्कुल ऐसे पूरा एक्सेसरीज से ऐसा भरा हुआ चाहिए अपना लुक, बट या समटाइम्स आई रियली वॉन्ट टू एक्सेसराइज माई सेल्फ, लाइक वैन गोइंग टू ऑफिस और वैन ट्रेवलिंग और वैन गोइंग आउट, तो उस टाइम पे मुझे चाहिए होता है. और ऑफिस में तो स्पेशली मुझे इयर रिंग ही चाहिए होते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ज़्यादातर कुर्ती वगैरह ही पहनते हैं या फिर फॉर्मल टॉप वगैरह पहनते हैं, तो कुर्ती में मुझे कुछ झुमकास वगैरह टाइप से मुझे चाहिए होता है. और अगर मैं टॉप वगैरह पहनती हूँ तो उसमें मुझे बहुत ही छोटे वाले जो होते हैं ना, क्लासी शीक से जो इयर रिंग होते हैं वो मुझे बहुत पसंद है. देर आर पीपल जिन्हें हमेशा ही मतलब लड़कियों को तैयार होना पसंद है, जिन्हें मतलब ब्रेसलेट भी चाहिए, हर चीज मतलब अप टू डेट होती हैं लड़कियां. सो यह फॉर दोज दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल. ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं सब कुछ पहनती हूँ, लेकिन फॉर चेंज पहन लेती हूँ. ट्रैवल करती हूँ तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं पहनूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू लुक गुड, आई वॉन्ट टू लुक डिफरेंट फ्रॉम अ डे टू डे लाइफ. या डे टू डे लाइफ में इतना पॉसिबल नहीं होता, रोज ऑफिस जाना भागा भाग होता है, बट इस टाइम मैंने कुछ मतलब इयर रिंग के अलावा भी खरीदा है, एंड दैट फ्रॉम H&M एंड Forever 21. अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. फर्स्ट पीस जो है अपना फेवरेट दिखाना चाहूँगी, विच इज दिस ब्रेसलेट, एंड आई जस्ट लव दिस ब्रेसलेट गाइज. इफ यू सी दिस इज गोल्डन पिंक में एक छोटा सा है, बाकी सारा गोल्डन है और इसके सारे बीज सब अलग अलग है, कोई राउंड में है, कोई छोटा है कुछ. और ये मैंने काफ़ी बार पहना है एक्चुअली. अगर आप मेरी वीडियो वगैरह में देखोगे किसी, तो मैंने ये पहना होगा. और सबसे अच्छी बात क्या है, दिस इज़ लाइक आप वेस्टर्न में भी इसे वियर कर सकते हो, इसे आप ट्रेडिशनल में भी वियर कर सकते हो. एंड सबसे अच्छी बात है ये अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि एक ही साथ है, तो आप इसको एक पहनना हो तो एक पहन लो, सारे पहनना हो तो सारे पहन लो. सो दिस इज़ द बेस्ट पीस जो एक्सेसरी में मुझे लगा, एंड दिस इज़ फ्रॉम Forever 21. 399 का ये प्राइस था इसका, सॉरी इसमें डिस्काउंट नहीं था. हाँ, ये मैंने एक्चुअली स्टोर से लिया था, तो 399 का था. आई थिंक 399 में इट्स गुड, क्योंकि ये मैंने इतनी बार पहन लिया बट इसका कोई कलर नहीं निकला और इसकी कोई पॉलिश वॉलिश नहीं निकली, सो आई थिंक दिस इज़ वेरी क्लासी पीस, सो दिस इज़ द बेस्ट वन. तो ये मैंने सबसे पहले के लिए रखा. द सेकेंड वन इज ऑल्सो फ्रॉम Forever 21 एंड दिस इज द नेक पीस. एंड ये तीन पीस थे इसके, तो फर्स्ट इज सबसे छोटा, ये चेन सबसे छोटी वाली थी, इसके बाद ये एक टेडी बियर सा बना हुआ था, ये इससे बड़ी थी, और सबसे बड़ा ये था जिसमें प्रिंसेस लिखा हुआ है. एंड आई रियली लाइक दिस चेन. अच्छी बात क्या है कि सेपरेट है, और इसको ज़रूरी नहीं है आपको तीनों को साथ में पहनना है, आप इसको अलग अलग भी पहन सकते हो. नॉर्मली मैं ये लंबी वाली ज़्यादा पहनती हूँ, और कभी मन करता है तो ये छोटे वाली भी पहन लेती हूँ, तो बट ये साथ में अलग लुक देता है, और इसको सेपरेट पहनना तो अलग लुक आता है. तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी क्लासी पीस, जो आई थिंक ये बहुत ट्रेंड में है, बहुत ही
फेमिनिन कह सकते हो आप इसको, और आई रियली लाइक इट। और मैंने ये पहना भी था अपने एक दो व्लॉग में, जब मैं मशोबरा गई थी तब भी मैंने इसको पहना था। सो अभी तक इसका कोई कलर नहीं निकला है और मैं इसको दो तीन बार पहन चुकी हूँ आराम से। इसका प्राइस आई थिंक 599 था और आई विल सी कि डिस्काउंट कितना था। सो नेक्स्ट इज इयररिंग फ्रॉम फॉरएवर 21 एंड दिस इयररिंग इज सो गुड। मैंने अभी तक इसको पहना नहीं है बट आई जस्ट लव टू वियर इट। इसका प्राइस है 399 एंड इट इज हार्ट शेप में है। इस काइंड ऑफ इतना प्यारा लग रहा है ना, इसको किसी आप मतलब ओकेजन पे पहन सकते हो, डेट पे पहन सकते हो, नाइट डेट पे या फिर एनिवर्सरी पे। मैं एनिवर्सरी पे सोच रही हूँ इसको पहन लूँ, अभी तक मैंने इसको पहना ही नहीं। सो दिस इज वेरी गुड और या आई रियली लाइक इट। और इससे ज़्यादा मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहूँगी, तो इट्स गुड। एंड द नेक्स्ट पीस इज फ्रॉम H&M एंड दीज आर दी क्लचर्स। ये भी गोल्ड में ही है, पता नहीं मैंने सारी चीज़ें ऐसे गोल्ड में कैसे ले ली, बट मुझे पसंद ही सब गोल्ड में आ रहा था, ऐसा सिल्वर में कुछ नहीं समझ में आ रहा था। और ये बड़े क्या स्टर्डी से हैं, पता नहीं क्या लोहे के हैं या किस चीज़ से बने हैं, आई एम नॉट श्योर। और इसका प्राइस है 399 से, मैंने स्टोर से लिया था, दो का पेयर था। थोड़ा सा ये कॉस्टली लग रहा था मुझे, बट मुझे ये वैल्यू फॉर मनी लगा क्योंकि ये टूटने वालों में से तो नहीं था। सॉरी गाइस, ये मेरा कैमरा ना मुझे हमेशा धोखा दे देता है, तो मैं फ़ोन से ही बना लेती हूँ फाइनली। हाँ, मैं इन क्लचर्स के बारे में बता रही थी कि H&M का मुझे लग रहा है कलर फेड हो गया है एक का थोड़ा बहुत। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इसका थोड़ा थोड़ा सा कलर ब्लैक होने लग गया है, क्योंकि मैंने ये शायद यूज़ किया था, हाँ कुछ दिन मैंने ये यूज़ किया था आई थिंक इस वजह से, बट ठीक है, इट्स फाइन। मतलब अभी ये चल ही रहा है, कलर फेड भी हो जाएगा तो एक आप संभाल के रख सकते हो बाहर बाहर जाने के लिए, और ये घर पे आप यूज कर सकते हो, तो ठीक है, फाइन है। तो इसका मतलब फॉरएवर 21 की क्वालिटी आई थिंक इससे बेटर है, क्योंकि ये मैंने यूज़ करे हैं फॉरएवर 21 के एंड स्टिल इट्स गुड और उसका कोई कलर फेड नहीं हुआ, तो अच्छा। वैसे मेरे हाथ पे भी है, आई बॉट फ्रॉम फॉरएवर 21, इट्स अ ब्रेसलेट। सो ये थोड़ा सा यूनिसेक्स सा मुझे लगा, इट्स नॉट माय काइंड ऑफ वाइब, बट मुझे लगा ठीक है पहन सकते हैं टॉप के साथ और शर्ट वगैरह के साथ, मुझे लगता है ये चल जाएगा, आई थिंक दैट्स फाइन। और दिस इज इन सिल्वर फॉर अ चेंज, बहुत गोल्ड गोल्ड ले लिया था तो ये सिल्वर में है। एंड इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं, आई थिंक 299 था आई थिंक, सो आई विल चेक एंड लिंक इट डाउन। एंड या द नेक्स्ट इज दिस क्लिप, निकाल के दिखा देती हूँ। ये बहुत ही क्यूट सा एक क्लिप था, जिसमें ऐसे पर्ल से जड़े हुए थे और दिस येलो पिंक बहुत ही अच्छे पेस्टल से कलर थे इस पर। ये एक ही था आई थिंक, तो और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं था आई थिंक, शायद 150 का मिला था मुझे। ये फॉरएवर 21 से लिया था और फॉरएवर 21 के आई थिंक बहुत ज़्यादा ऐसे कॉस्टली भी नहीं लगते मुझे, और अच्छी भी क्वालिटी लगी है, तो आई थिंक आई विल गो फॉर फॉरएवर 21 अभी तक जो मैं देख रही हूँ उस हिसाब से, बिकॉज क्वालिटी तो है ही अच्छी और आपको थोड़ा सा रीजनेबल भी मिल जा रहा है, तो हु डजंट वांट इट। ये भी फॉरएवर 21 के, ये पता नहीं किसको क्या बोलेंगे, टिक टैक वाले टाइप से होते हैं ना, जो उस टाइप से हैं। एक्चुअली नॉर्मल भी आप यूज कर सकते हो, और दूसरा जैसे आपको कभी मेकअप वगैरह करना हो या फिर फेस पे कुछ लगाना हो जैसे फेस पैक वगैरह, तो आप इजीली आप इसको ऐसे टक कर लो और फटाफट से ये आपके बाल वाले से सेट हो जाते हैं। तो मतलब होता है ना कई बार आपको बैंड नहीं लगाना, थोड़ा बाल का ऐसे खराब हो जाता है स्टाइल वगैरह, तो उस टाइम के लिए आई थिंक दिस इज गुड, छोटू छोटू से। और ये दो हैं पेयर में, एक में ब्लू सा कुछ कलर बना हुआ है, मैं दिखाई देती हूँ, और एक में ऐसे पेस्टल से पिंक और ग्रे सा, एंड इट कॉस्टेड मी 399, पर ये डिस्काउंट पे था, तो वो मैं बता दूंगी क्या यूज़ भी नहीं किए हैं
ऐसे रखा था मुझे, था जब तक मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी तब तक मैं इसे यूज नहीं करूंगी, और फाइनली मैं यूज कर सकती हूँ. हाँ, दिस इज इयररिंग सेट फ्रॉम H&M. ये मुझे थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी लगा, थोड़ा सा मतलब 799 का जरूर था, बट इसमें आपको बहुत सारे पेयर मिल जाएंगे, लाइक छोटू सा जैसे यहाँ पे है, और ये थोड़ा सा इससे बड़ा. मेरा सबसे जो बेस्ट है जो मैं पहनती हूँ वो ये वाला है जो सबसे बड़ा है, दिस वन. और ये ऑलमोस्ट सब गोल्ड में है, ये बड़ा अच्छा सा जैसे बिल्कुल डायमंड सा है, क्या बोल सकते हैं इसको, जरका नहीं होता है ना, ये मैंने पहन भी रखे हैं. ये कलर भी बिल्कुल ऐसा ही लाइक सी ग्रीन टाइप से, तो मुझे पता नहीं क्यों छोटे छोटे और बड़े शीक से क्लासी से इयर रिंग ज्यादा पसंद है, कुर्ती वगैरह पहनती हूँ. देन आई नीड द बिगर वन, आई थिंक इट्स फाइन, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और आपका पता नहीं कब तक चलती है ये सारी चीजें. You can go for this. Last but not the least, this is the hair band, and ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया. अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा, Amazon haul वाला वीडियो, उसमें ना मैंने लिया था polka dot वाला, और जो मैंने आपको बताया था रिव्यू किया था, तो वो इतना ज़्यादा टाइट था कि मेरा हेडेक होने लगा था. उसके बाद मैंने सोचा मुझे वो तो बिल्कुल भी नहीं पहनना, तो मैंने ये लिया. एंड दिस इज सो सॉफ्ट, आप देखकर ही पहचान जाओगे कि कितना सॉफ्ट है, और इट्स इन पिंक, और मैं इसको पहनती हूँ ना इतना इजी सा लगता है. पता नहीं लोग कैसे कैसे बना देते हैं, बट दिस इज आई रियली लव, कलर वाइज भी और मटेरियल वाइज भी. थोड़ा सा आप 100-200 रुपए ज्यादा ले लो, बट आई नीड अ गुड थिंग, क्वालिटी थिंग. 200 ज्यादा ले ले लेकिन लैंड करा दे, 500 ज्यादा ले ले लेकिन लैंड करा दे. कुछ भी मतलब सस्ते के चक्कर में मैं नहीं ले सकती, सॉरी बॉस, मुझसे नहीं होता, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है ना, वो फाइनली वो वेस्ट होती है चीजें. अब मैं उसको बताऊँ क्या यूज करती हूँ, मेरे को जब हेडेक होता है ना तब मुझे कपड़ा मन करता है बांधने का, तो मैं उसको बांध देती हूँ, तो मेरा अब वो वैसे यूज होता है. ठीक है, मैं वैसे जुगाड़ तो देखो इंडियंस कर ही लेते हैं, तो मैंने भी जुगाड़ कर लिया, बट ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. छोटी ही थी, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, बट हाँ मैं उसके साथ अगर क्लब कर देती फर्स्ट वाली वीडियो के साथ तो बहुत बड़ी होने वाली थी. तो यार दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, इफ यू लाइक एनी ऑफ द थिंग सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, कुछ आपको अच्छा लगा हो और मे बी कुछ आपको ना भी अच्छा लगा हो, सो व्हाटएवर यू लाइक प्लीज डू कॉमेंट. एंड या लाइक दिस वीडियो इफ यू रियली लाइक इट. लास्ट एक दो मंथ में मैंने ऐसे भर भर की शॉपिंग करी है, शॉपिंग तो हो गई, अब मैं वीडियो बनाने की बारी है, तो बैक टू बैक मेरी वीडियोज आने वाली है. एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक इट एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इफ यू हैवंट फॉलोड मी येट. So yeah, I think that's it. Thanks for watching. Take care of yourself and your loved ones. So see you in my next one. Till then, don't forget to smile. Bye.